आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। एनकाउंटर कहां हुआ, कैसे हुआ, जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, पहला सवाल, एनकाउंटर कहां हुआ? तो एनकाउंटर हुआ है झांसी में। सवाल, एनकाउंटर में कितने राउंड फायरिंग हुई? 40 राउंड फायरिंग हुई है। सवाल, किसका एनकाउंटर हुआ? तो असद और गुलाम, इन दो लोगों का एनकाउंटर हुआ। असद अतीक का बेटा और गुलाम उनकी गैंग में शामिल। असद था कौन? अतीक अहमद का बेटा था असद। गुलाम कौन था? गुलाम अतीक का शूटर था और ये दोनों साथ में थे, झांसी से भागने की फिराक में थे। एनकाउंटर किसने किया? यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। एसटीएफ की टीम कितनी बड़ी थी, उसमें कितने मेंबर थे? तो 12 सदस्य थे जिन्होंने ये पूरा एनकाउंटर किया है। लेकिन आखिर ये एनकाउंटर हुआ कैसे, कैसे इसे यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया, सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे हैं ये पूरा मामला। आज 12:30 से 1 के बीच में सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। तो आइए, अभी आप सुन रहे थे यहां पर प्रशांत कुमार को और अब आपको दिखाते हैं यहां पर ये पूरा मामला। जरा देखिए कैसे यहां पर यूपी पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी, जी हां, ये कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। अतीक को लाने वाली पुलिस निशाने पर थी, दोनों के पास आधुनिक हथियार थे, वो हथियार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोनों के पास मॉडर्न वेपन्स थे। यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट थी, ये कहा यूपी पुलिस ने। दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और दोनों ओर से 40 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस एनकाउंटर में दोनों ढेर हुए। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच ये एनकाउंटर हुआ है।